Good evening, good evening. Good evening all. देखो ये पूरा जो टेंशन है ईरान अमेरिका इशू डिस्कशन है हमारा अबाउट ईरान अमेरिका, सारा का सारा कन्फ्लिक्ट जो मैंने ईएस वाले बच्चों को बताया था शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। ये जो ईरान का दिक्कत है वो बेसिकली शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है। अभी ईरान न्यूज में क्यों है, इमीडिएट कॉज जो इस टेंशन का है, सबसे पहला इसके मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी, इनको अमेरिका ने मार दिया। कासिम सुलेमानी इनको अमेरिका ने ड्रोन अटैक में, ड्रोन हमले में मार दिया। ईरान के एक वहां पे फोर्स है कुर्द फोर्सेस करके है, उसके हेड थे ये, अल कुर्द फोर्सेस उसके हेड थे सुलेमानी, मिलिट्री कमांडर समझ लो। आयातुल्ला खुमैनी ईरान में सबसे पावरफुल व्यक्ति है शाह के बाद, आयातुल्ला खुमैनी ये सबसे पावरफुल व्यक्ति है ईरान में, इनके बाद सेकंड सबसे पावरफुल इनको माना जाता था। आयातुल्ला खुमैनी सबसे पावरफुल पर्सन है ईरान के अंदर, सबसे पावरफुल पर्सन है ईरान में, इनके पास सेकंड नंबर पे कासिम को मानते थे, कासिम सुलेमानी। सबसे ऊपर तो वहां शाह की पोस्ट होती है ना, शाह पर्सिया, सबसे ऊपर शाह होता है। तो सबसे पावरफुल पब्लिक में जो सबसे ज्यादा जानते हैं लोग आयातुल्ला खुमैनी, ये है देखो आयातुल्ला खुमैनी। देखो इसमें
चार बड़े नाम है वहाँ जो आप बार बार न्यूज़ में सुनते हो ईरान के अंदर। ईरान में चार बड़े नाम, एक तो रजा पहलवी शाह जो हैं, रजा पहलवी एक पर्सन, ये एक, दूसरे आयतुल्ला खुमैनी दो, तीसरे कासिम सुलेमानी तीन, कासिम सुलेमानी तीन, और चौथा जो नाम आप न्यूज में सुनोगे हसन रूहानी। हसन रूहानी ये चार नाम है जो बार बार आप न्यूज में सुनते हो, है ना। ये तो शाह के नाम से बोल देते हैं, शाह है ये, और कासिम सुलेमानी कमांडर थे वहां, उनकी जो फोर्स थी उसका नाम क्या था वो नोट कर लो। देखो कुछ पढ़ाया ही नहीं, कमेंट आना शुरू हो गए। तो काफी लोग कनेक्टेड है। अखिल सिंगल क्लास लगातार चल रही है, तुम ही क्लास नहीं कर रहे हो। CIL UPPCS दोनों की क्लासें करवा रहा हूँ दिन भर, तुम ही क्लास में अटेंड नहीं कर रहे हो। स्पेशल क्लासें देखो कितनी करा रखी हैं, दिन भर क्लास चल रही है, तुम ही गायब हो, तो उसमें मेरे से क्या पूछ रहे हो। पूरे दिन क्लास हो रही है, तुम खुद ही नहीं आ रहे हो। बताइए सर, बताइए सर, लिख लो बार बार, लगातार स्पेशल क्लासेस चल रही है, नहीं करोगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर घर आके नहीं पढ़ाऊंगा मैं। दिन भर क्लास चल रही है, पता नहीं कहाँ गायब हो। अभी ये क्लास चल रही है, शाम को फिर एक क्लास है, पूरे दिन पढ़ा रहा हूं, पता नहीं कैसे पढ़ाया जाएगा CIL के लिए। सुनो पहले अभी ईरान पढ़ाने दो, डिस्टर्ब मत करो अभी। देखो ये वाला एरिया है ईरान, दो तीन पॉइंट समझो। ईरान है शिया मेजॉरिटी कंट्री, इस्लाम में एक इशू है शिया सुन्नी, सारी कहानी इसी की है, जितना झगड़ा है जितना पुराना बवाल है सब इसी का है, शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट। शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट क्या था, शिया सुन्नी कहानी क्या थी। देखो इस्लाम में लॉर्ड तो एक ही है, एक ही लॉर्ड है, सिंगल लॉर्ड कंसेप्ट है वहां पर। यहां पर जब प्रॉफेट मोहम्मद थे, भाई हिस्ट्री के हिसाब से प्रॉफेट मोहम्मद को फाउंडर मानते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद की टीचिंग्स को भी लोगों ने काफ़ी टाइम में अडॉप्ट किया था, लोग मानने को तैयार नहीं थे, फिर धीरे धीरे लोग उनको समझने लगे, प्रॉफेट को फॉलो करने लगे। एक पोस्ट होती है कैलिफ, कैलिफ मतलब मेंटर, जो हमें डायरेक्शन दे, जो हमें गाइड करे रिलीजियन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे समझाना है, कैसे, मतलब मेंटर के तौर पे काम करता है कैलिफ, खलीफा बोल देते हो जो। हिस्ट्री में हमारे यहाँ भी तो हुआ था खिलाफत आंदोलन, तुर्की में खलीफा को हटाया जा रहा था, तुर्की में जब खलीफा को हटाया जा रहा था तो वहां पर भी तो प्रॉब्लम हुई थी, तुर्की में भी इशू हुआ था ना, हमारे यहाँ फिर खिलाफत आंदोलन हो गया था उनके सपोर्ट में, कि ये हमारे मेंटर हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन है, इनको सही ट्रीटमेंट दिया जाए। तुर्की में जब खलीफा को हटाया गया था तो हमारे यहाँ खिलाफत आंदोलन हो गया था, कि मुस्लिम कम्युनिटी ने कहा कि इनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए क्योंकि ये हमारे रिस्पेक्टेड हैं, हमारे रिलीजन में रिस्पेक्टेड पोस्ट है ये। प्रॉफेट को एक्सेप्टेंस मिल गया था, प्रॉफेट जब थे तो लोग उनको एक्सेप्ट करने लगे थे, पर जब प्रॉफेट नहीं रहे, जो लोग
जानकारी रखते होंगे मुझे बता देना, मैं अपनी तरफ से कहानी पूरी बता रहा हूँ, किसी को और कोई ऐड करना है या कोई लग रहा है कहानी में कुछ और है तो मुझे बता देना इसमें। और टॉपिक जब पढ़ाया जाए उसको रिलीजन से जोड़ के नहीं देखना है, टॉपिक टॉपिक की तरह देखना है, टॉपिक को टॉपिक की तरह देखना है। तो प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट जब नहीं रहे, इनको लेकर एक्सेप्टेंस आ गया था लोगों में, कैलिफ लोगों ने इनको मान लिया, इनके नहीं रहने पर, इनके नहीं रहने पर अस्तित्व शर्मा ब्लॉक कर देगा तुमको, यार तुम क्लास मत करो रहने दो। कंटिन्यूअसली कमेंट लिख रहे हो फालतू फालतू, ब्लॉक हो गए कि नहीं, रुको कर तो दिया है। हाँ ठीक है, गुड। तो प्रॉफिट के नहीं रहने पर फिर डिस्कशन ये हुआ, कुछ लोगों ने कहा उनके अबू उनके फादर इन लॉ अबू बकर, उनके फादर इन लॉ अबू बकर इनको कैलिफ बनाया जाए। कुछ लोगों ने कहा उनके सन इन लॉ अली इनको बनाया जाए। प्रॉफिट के जाने के बाद ये डिफरेंसेस आ गए, एक कम्युनिटी इनको सपोर्ट करती थी, प्रॉफिट के फादर इन लॉ थे ये, और एक कम्युनिटी इनको सपोर्ट करती थी अली, इनको सपोर्ट करती थी एक कम्युनिटी अली। अब इसमें हुआ क्या, एक कम्युनिटी इनको सपोर्ट करती थी, एक कम्युनिटी इनको सपोर्ट करती थी, आगे जाकर कोई इंसिडेंट हुआ जहां पर इनको मार दिया गया था। जो इस्लाम के बारे में जानकारी रखता है मुझे बताए, कहीं पर भी कोई पॉइंट अगर लग रहा है कि अलग गलत बता दिया है तो मुझे बता, करेक्ट कर देना। इनको मार दिया गया था, करेक्ट है। इनके दो बेटे थे हसन हुसैन, उनको भी मार दिया गया था, इनके दो बेटे हसन हुसैन उनको भी मार दिया गया था। हुई थी बैटल ऑफ करबला, फैज बताओ मुझे सही है बात, हुई थी बैटल ऑफ करबला, करबला में एक कम्युनिटी ने कहा था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, एक कम्युनिटी ने कहा था, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, एक कम्युनिटी ने कहा था हम आपको सपोर्ट करेंगे, पर कुछ रीजन ऐसे हुए कि वो सपोर्ट कर नहीं पाए, बिट्रेयल हो गया। कुछ लोग कहते हैं बिट्रेयल नहीं था, और कहीं कहीं पर लिखा है कि बिट्रेयल था। तो एक कम्युनिटी ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, पर किसी रीजन से सपोर्ट कर नहीं पाए, और इनको मार दिया गया था हसन हुसैन को। यहीं से इस्लाम में दो सेक्ट बन गए, ये रिलीजियन नहीं है, दो ग्रुप है, इट्स नॉट अ रिलीजियन, ये कोई कास्ट नहीं है, दो विचारधाराएं बन गई, एक बन गया शिया, एक बन गया सुन्नी। बैटल ऑफ करबला से ही डिफरेंस आ गए, टू सेक्ट बन गए, एक शिया एक सुन्नी। अंसारी जाहिद शकील अहमद, बेटा इसमें शहादत एक की हुई थी कि दो, ये मुझे ध्यान नहीं है, पर मुझे ये पता है कि अली के जो बेटे थे हसन हुसैन, बैटल ऑफ करबला में यहां मार दिया गया था, ये मुझे ध्यान है, बैटल ऑफ करबला में मुझे ध्यान है कि मार दिया गया था। अब दोनों थे कि एक, वो आप मुझे बताओ, जहां तक मुझे कहानी याद आ रही है हसन हुसैन किसी एक को मार दिया, दोनों को मारा था या एक, वो आप मुझे बताओ, पर किलिंग हुई थी बैटल ऑफ करबला में। और लोग भी जुड़े होंगे इसमें, मुझे बताएं कि दोनों को मार दिया गया था या एक को, बैटल ऑफ करबला में जो मर्डर हुआ था डिफरेंसेस वहीं से आए। मेरा मुद्दा ये है हुसैन को मार दिया गया था ना, हुसैन को मार दिया गया था, तो मुझे ये बताओ अंसारी, जो मुहर्रम होता है वो इसी गिल्ट के तौर पर तो लोग खुद को पनिश करते हैं ना, कि हमने आपको कहा था कि वॉर में सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट नहीं कर पाए थे, तो मुहर्रम पनिशमेंट के तौर पर ही तो होता है, यही कहानी है ना अंसारी जाहिद, करेक्ट है कि नहीं, खुद को पनिशमेंट के तौर पर ही तो होता है मुहर्रम। यस वेरी गुड, ये मातम का दिन होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे गुड फ्राइडे में कई बार लोग एक दूसरे को हैप्पी बोल देते, हैप्पी गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे गुड नहीं था, गुड फ्राइडे तो वो था जिस दिन क्राइस्ट को एग्जीक्यूट कर दिया था, गुड फ्राइडे भी गुड नहीं था, जैसे कि मुहर्रम भी मातम का दिन है, गुड फ्राइडे या मुहर्रम दोनों ही मातम के दिन है, ठीक है। ये पहली बात, हमें यह समझ आ गया कि शिया सुन्नी इस्लाम में दो विचारधाराएं बन गई, एक शिया और एक सुन्नी, इनमें थिंकिंग में डिफरेंसेस आ गए, और ये डिफरेंसेस इतने आ गए कि
वर्ल्ड में जितने कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज के, वो शिया सुन्नी ही है। वर्ल्ड में जितना प्रॉब्लम चल रहा है वो शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट ही है। करेक्ट है सौरभ, करेक्ट है पॉइंट, करेक्ट है सौरभ। अब देखो वर्ल्ड में कभी कोई काउंटिंग हुई तो नहीं, पर इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं, मोर देन 85% मुस्लिम्स बिलोंग्स टू सुन्नी कम्युनिटी। मोर देन 85% मुस्लिम्स बिलोंग टू सुन्नी कम्युनिटी। अराउंड 15-18% मुस्लिम्स बिलोंग्स टू शिया कम्युनिटी। शिया कम्युनिटी, ध्यान से सुनो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी पिक्चर। मोर देन 85% मुस्लिम्स बिलोंग टू सुन्नी, 15-18% मुस्लिम बिलोंग टू शिया। शिया क्लियर है। मेजॉरिटी मुस्लिम्स इंडिया, श्रीलंका, चाइना, दीज आर सुन्नी कम्युनिटी। सऊदी अरेबिया सुन्नी, रिलीजियन के लिए बहुत कट्टर कंट्री है सऊदी अरेबिया, और सबसे गड़बड़ कंट्री है टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला। सऊदी अरेबिया सबसे गड़बड़ कंट्री है और सुन्नी मेजॉरिटी है। आधा तो किया धरा इसी का है, गड़बड़ इसी का किया धरा है मेन। धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा गंदगी मचाता है ये, क्लियर है। शिया मेजॉरिटी कंट्री वर्ल्ड में कौन कौन? शिया मेजॉरिटी ईरान एंड वन कंट्री बहरीन, बहरीन, देन सीरिया में सीरियन गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट, सीरियन गवर्नमेंट जो है वो भी शिया रूल कर रहे हैं, वहां शिया रूल कर रहे हैं। अब आप बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे, जहां जहां शिया है वो सब एक दूसरे के सपोर्टर है, और जितने सुन्नी हैं वो एक दूसरे के सपोर्टर हैं। जितने शिया वो एक दूसरे के सपोर्टर, जितने सुन्नी वो एक दूसरे के सपोर्टर, ठीक है। देखो ऐसा, ईरान, इसी को पहले कहते थे पर्शिया, इसी का पुराना नाम है पर्शिया। ईरान शिया मेजॉरिटी, इराक में सद्दाम हुसैन था और सुन्नी था, इराक में सद्दाम हुसैन था और ये था सुन्नी, सद्दाम हुसैन सुन्नी था। 80s में हुई थी इराक ईरान वॉर, 80s में हुई थी इराक ईरान वॉर, सद्दाम हुसैन ने हमला कर दिया था ईरान पे, सद्दाम हुसैन ने हमला कर दिया था ईरान पे, कुछ लाख लोग मारे गए थे यहां पर, क्लियर है। सद्दाम हुसैन इराक के थे हेड, सुन्नी थे, सुन्नी थे, इन्होंने हमला कर दिया था ईरान के ऊपर, डिक्टेटर थे ये भी। 80s में हुई थी सबसे जबरदस्त वॉर, बहुत किलिंग हुई थी उस टाइम पर, इराक ईरान वॉर, इराक ईरान वॉर यहीं पर हुई थी 1984, और यहां पर यूज कर दिए थे इराक ने केमिकल वेपन्स, इराक यूज्ड केमिकल वेपन्स, बहुत लोग मारे गए थे इसमें, इराक यूज्ड केमिकल वेपन्स अगेंस्ट ईरान, और इराक को सपोर्ट किया था अमेरिका ने इस वॉर में। सद्दाम हुसैन को सुन्नी था ना, देखो इधर, इराक का सद्दाम हुसैन सुन्नी था, सऊदी अरेबिया सुन्नी, तो सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया होगा कि एंटी रहा होगा, सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया होगा कि एंटी रहा होगा, सपोर्ट किया होगा। और अमेरिका सऊदी अरेबिया ये भी दोस्त हैं, सबसे ज्यादा वेपन सऊदी अरेबिया अमेरिका से खरीदता है, तो सऊदी अरेबिया प्लस अमेरिका दोस्त हैं दोनों, सऊदी अरेबिया अमेरिका दोस्त हैं, और सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया था, सुन्नी था, ये सब एक लॉबी बन गई थी, एक ग्रुप बन गया था ईरान के अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट, क्लियर है। ईरान को उस वॉर में सपोर्ट किया था सीरिया ने, सीरिया, सीरिया ईरान का दोस्त है, तो एक जगह कहीं लिख लो सीरिया ईरान एक साथ है, सीरिया ईरान एक साथ है, और सीरिया का दोस्त है रशिया, सीरिया का दोस्त है रशिया, तो रशिया सीरिया का दोस्त है और सीरिया ईरान का दोस्त है, क्लियर है। रशिया सीरिया का दोस्त और सीरिया ईरान का दोस्त,
क्लियर। तो इधर लॉबी बनी थी अमेरिका, सऊदी अरेबिया, सद्दाम हुसैन, इराक, इराक ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर, काफी ज्यादा किलिंग हो गई थी यहां पर, ईरान का सपोर्टर था सीरिया। इसीलिए 2011 में जब बशर अल असद की गवर्नमेंट प्रॉब्लम में आई, 2011 सीरियन क्राइसिस, 2011 सीरियन क्राइसिस अगेंस्ट, काफी लंबे टाइम से प्रेसिडेंट है बशर अल असद, बशर अल असद, बशर अल असद काफी टाइम से प्रेसिडेंट है यहां का बशर अल असद, और ये है शिया, शिया। तो सीरियन क्राइसिस में क्या हुआ था, बशर अल असद के अगेंस्ट में ही सिविल वॉर शुरू हो गई थी, प्रोटेस्ट शुरू हो गया था, जैसे सीरियन कुर्द, सीरियन कुर्द, और सीरियन कुर्द, इसके अलावा कुछ ग्रुप बने हुए थे अल नुसरा, अल कायदा, ये सब सपोर्ट अपोर्ट हुए थे। तो दो चीजें हुई थी, एक तो आईएसआईएस ग्रुप बन गया था सुन्नीस का, एक तो आईएसआईएस ग्रुप बन गया था सुन्नीस का, और कुछ ऐसे थे जो सीरियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में भी नहीं थे, आईएसआईएस के सपोर्ट में भी नहीं थे, सीरियन रेबेलियंस, सीरियन रेबेलियंस, इनको सपोर्ट करता था यूएस, सपोर्टेड बाय यूएस। समझ पा रहे हैं? तो बशर अल असद, बशर अल असद इसके अगेंस्ट में वहां पर हो गया रिवोल्ट। तो कुछ लोग तो रिवोल्ट कर रहे थे और कुछ लोगों ने मिलकर मिलिटेंट ग्रुप बना लिया आईएसआईएस। आईएसआईएस भी किनका ग्रुप था? सुन्नी, सुन्नी ग्रुप था ये भी, जो रेबेलियन थे वो भी सुन्नी थे। तो बशर अल असद सिया, रिवोल्ट हो गया, सुन्नीज ने रिवोल्ट कर दिया, एक मिलिटेंट ग्रुप बन गया, और कुछ लोग थे जो मिलिटेंट ग्रुप में भी नहीं थे और इसके सपोर्टर भी नहीं थे, थर्ड फ्रंट, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसको सपोर्ट था अमेरिका का, अमेरिकन सपोर्टर, इनकी पूरी फंडिंग अमेरिका करता था। देखो जरा क्यों करता था, क्योंकि रीजन क्या है, सऊदी अरेबिया सुन्नी, ईरान शिया, सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा वेपन परचेज करता है अमेरिका से, अमेरिका ने हमेशा इस पूरे एरिया में डिस्टरबेंस क्रिएट रखा, रीजन था ऑयल, रीजन था ऑयल, और कन्फ्लिक्ट क्रिएट रखा, आपस में इनको लड़ाई रखा। यहां पर इसका एक चेला है अमेरिका का, अमेरिका का चेला इजराइल, ये रहा देखो बैठा है बगल में, अमेरिका का चेला है वो, पपेट है इजराइल, है अमेरिकन पपेट। इजराइल का प्रॉब्लम किससे? जॉर्डन से भी, लेबनान से भी, सीरिया से भी, इसराइल ने लड़ी थी 6-day war, 6 दिन में इसके बगल में जितने कंट्री हैं, इजिप्ट, इजिप्ट सब आ गए थे लड़ाई करने, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, इराक, ये सब मिलकर अटैक कर दिए थे इसराइल के ऊपर, जॉर्डन, इसराइल ने 6-day war में 1967 सबको हरा दिया था, और कैजुअल्टी हुई थी 1:20, 1:20 इसराइल का एक सोल्जर मरा था, तो 6-day war में एंटी पार्टी के 20 सोल्जर मरे थे। इतना एडवांस कंट्री है, इतना एडवांस कंट्री है टेक्नोलॉजी के मामले में, 6-day war। और हिटलर नफरत करता था ज्यूस से, हिटलर नफरत करता था ज्यूस से, हिटलर को इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? वर्ल्ड वॉर तो और लोगों ने भी लड़ी थी, वर्ल्ड वॉर तो और लोगों ने भी लड़ी थी, हिटलर को इतना क्रिटिसिज्म क्यों? उस समय पर 11 मिलियन ज्यूस होते थे वर्ल्ड वाइड, 11 मिलियन ज्यूस होते थे उस टाइम पर, हिटलर ने मरवा दिए थे 5.5 मिलियन अपने रेजिम में, 50% ज्यूस को मरवा दिया था हिटलर ने। इसे कहते हैं ग्रेट होलोकॉस्ट, सबसे बड़ा नरसंहार आज तक का। वर्ल्ड वॉर तो और लोगों ने भी लड़ी थी, पर हिटलर ने मरवा दिए थे बहुत सारे ज्यूस, इनसे नफरत करता था वो, क्लियर है? आज तक भी अकेला ज्यूस मेजॉरिटी कंट्री है वर्ल्ड में इजराइल, ओनली ज्यूस मेजॉरिटी कंट्री इन द वर्ल्ड इजराइल, ओनली ज्यूस मेजॉरिटी कंट्री, और ये बचपन से ही मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरी है वहां, हर सिटीजन के लिए, हर सिटीजन के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है
वहां का हर सिविलियन सोल्जर है, वॉर पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर ये सारे एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं। ये क्या बता रहे हो विवेक, गलगदोत क्या? गलगदोत क्या मतलब? विवेक ने कुछ लिखा है गलगदोत। इसराइल इज द ओनली ज्यूस मेजोरिटी कंट्री, और ये ओपन सिटीजनशिप देते हैं अपने लोगों को। विवेक का मैं कुछ पॉइंट समझा नहीं, गलगदोत कुछ लिखा था। फेमस ज्यूस पर्सनैलिटी, मुझे नाम ध्यान नहीं है यार, मुझे नाम ध्यान है, मैंने सुना नहीं है। गलगदोत कौन है? अरे एक्ट्रेस वैक्ट्रेस मुझे नहीं पता यार, मैं टीवी मूवी नहीं देखता हूं मैं। तुम यार अलग ही दिशा में चल रहे हो। एक्ट्रेस वैक्ट्रेस मुझे नहीं पता भैया, इसीलिए अजीब सा नाम लग रहा था सुनने में। कौन सा नाम बता दिए ये? कुछ एरिया ऐसा है जो तुम्हारा मेरे से भी स्ट्रांग है, कुछ क्षेत्र में तुम्हारी जानकारी मुझसे ज्यादा है। नाम सुन के मेरा दिमाग घूम गया, कितने साल से पढ़ रहा हूं पढ़ा रहा हूं, तो नाम ही नहीं सुना मैंने कभी। ये कहां से कौन सा जीव आया है? हाँ ठीक है विवेक, चलो गुड, कुछ नॉलेज बढ़ाई तुमने मेरी भी। देखो यहाँ पर तो इसराइल, दिमाग ही घूम गया मैंने कहा ये कौन सा नाम है, कभी सुना ही, कोई लीडर तो है नहीं इतना बड़ा। इसराइल इज द ओनली हीरो, हीरोइन मत बताया करो यार, मुझे हीरो हीरोइन समझ में नहीं आता इसमें। मूवी वूवी देखना टाइम ही का, दिन भर तो पढ़ा ही रहे हैं। इतना अच्छा रिदम बना तुमने, रिदम तोड़ दिया, रुको समझा रहा था मैं कुछ। तो इसराइल इज द ओनली, इसराइल इज द ओनली ज्यूस मेजोरिटी कंट्री इन द वर्ल्ड। ये ओपन सिटीजनशिप देता है, ये कहता है जितने भी ज्यूस जहां भी दुनिया में रहते हैं जब मर्जी आके सिटीजनशिप आप ले सकते हो, इसराइल में आपके लिए ओपन है। ये कहता है कि ज्यूस पूरी दुनिया में भी कहीं रहते हो जब मर्जी आके हमारे पास रह सकते हैं, हमारे जो ज्यूस के लोग हैं। ज्यूस मेजोरिटी कंट्री है इसराइल। जैसे आजकल अपने यहाँ कंसेप्ट चल रहा है कि हिंदुत्व वाली बात चल रही है, अडोल्फ हिटलर ने ज्वाइन कर लिया, गुड, यही तो करवाए थे ज्यूस किलिंग, अभी ज्वाइन किया हिटलर ने। एक सेकंड रुको, हेलो, हाँ अच्छा यार अप्रैल के आसपास है, मैं अभी भेज देता हूँ क्लास के बाद, अभी क्लास से फ्री हो जाऊँ बस। ओके ओके ओके, हाँ तो इसराइल है ज्यूस मेजोरिटी कंट्री और फुली सपोर्टेड बाय अमेरिका। इसने आसपास के सारे कंट्री का एरिया कब्जा कर रखा है, जैसे इसने इजिप्ट का एक पोर्शन कब्जा कर रखा है। इजिप्ट का कोई पार्ट कब्जा किया है इसने, क्या नाम है उसका बताओ? सीरिया का कुछ पार्ट कब्जा किया है, एरिया वाले, ये इजिप्ट वाले का क्या नाम है जो कब्जा कर रखा है? इजिप्ट वाले का जो हिस्सा इसने कब्जा किया था इसराइल ने, उसका नेम, यस वेरी गुड विवेक, गाजा स्ट्रिप। और भी कोई एरिया कब्जा में है? वेस्ट बैंक, वेरी गुड, वेस्ट बैंक, गाजा, गाजा पट्टी, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं गाजा पे, कौन? इसराइल, फिलिस्तीन, गाजा स्ट्रिप। और कोई एरिया? गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, इजिप्ट, गाजा स्ट्रिप, इसराइल, फिलिस्तीन, कॉमन एरिया जो कब्जा किया, गोलन हाइट्स, सीरिया, गोलन हाइट्स सीरियन पार्ट, क्लियर है? गोलन हाइट्स सीरिया का पार्ट है रणवीर। टोटल जो एरिया है गोलन हाइट का, 2/3 पार्ट इसराइल ने कैप्चर कर लिया है, 1/3 पार्ट खाली सीरिया के पास बचा हुआ है। गोलन हाइट का 2/3 एरिया सीरिया, ये इसराइल ले चुका है, ओनली 1/3 पार्ट सीरिया के पास है। सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है 2 years बैक। तो गोलन हाइट, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक इजिप्ट वाला एरिया, ये सब एरिया इसने कब्जा कर लिया था अपने आसपास के कंट्रीज से। जॉर्डन से भी कब्जा किया हुआ है, जॉर्डन का ही पार्ट कब्जे में है। जॉर्डन, इजिप्ट, गाजा, गोलन हाइट्स, ये सब आसपास में एरिया कैप्चर कर रखा है इसने, ठीक है? ये सब एरिया इसने आसपास में कब्जा कर रखा है, वहीं से एरिया बढ़ाया इसने अपना, और सबसे खतरनाक कंट्री है इस पूरे एरिया में। अब अगला पॉइंट, तो ईरान, इराकी वॉर में, ईरान इराक वॉर में सीरिया ने ईरान को सपोर्ट किया था। 2011 से सीरिया में क्राइसिस हो गई, बशर अल असद के अगेंस्ट में रिवोल्ट हो गया, आईएसआईएस एक ग्रुप बन गया, और उसके बाद रेबेलियंस वो भी थे जो आईएसआईएस का पार्ट तो नहीं थे पर वो असद को पावर से हटाना चाहते थे।
असद को पावर से हटाना चाहते थे, अमेरिका रेबेलियन को सपोर्ट क्यों कर रहा था? अमेरिका सपोर्ट क्यों कर रहा था? अमेरिका सपोर्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि अमेरिका असद को पावर से हटाना चाहता था। अमेरिका असद को पावर से हटाना चाहता था। रीजन ये था कि असद रशिया का भी सपोर्टर और ईरान का भी सपोर्टर, दोनों एंटी अमेरिका। अमेरिका हर उस किसी को रास्ते से हटाना चाहता है जो उसको अपोज करे, हर उस किसी को रास्ते से हटाना चाहता है जो उसको अपोज करे। तो ईरान, सीरिया, रशिया, इसीलिए वो असद को हटाना चाहता था क्योंकि सीरिया का असद रशिया का सपोर्टर है, ईरान का सपोर्टर है जो कि अमेरिका का एंटी है। तो अमेरिका ने ही, अमेरिका और सऊदी अरेबिया, इन्हीं लोगों ने वेपन दिए थे असद के खिलाफ। सीरियन रेबेलियंस को वेपन जो आए थे, अमेरिका और सऊदी अरेबिया, इन्होंने ही वेपन सप्लाई किए थे, इन्होंने ही वेपन सप्लाई किए थे। एक जो अलग ग्रुप बन गया ISIS, क्योंकि अमेरिका ने इस्लामिक कम्युनिटी के बहुत लोगों को मारा था, इस्लामिक कम्युनिटी के बहुत लोगों को मारा था अमेरिका ने, तो अमेरिका ने जो बीज बोया था वो उसके खिलाफ हो गया था। अलकायदा का, अलकायदा का जो हेड था लादेन, अमेरिका का ही तैयार किया हुआ था। लादेन को जब मार दिया गया था तो ISIS में एक सपोर्टर ग्रुप अलकायदा था, बाद में आपस में कन्फ्लिक्ट हो गए थे। ISIS में कुछ रेबेलियन ग्रुप मिलके बना था, ISIS सुन्नी संगठन था, अलकायदा का भी सपोर्ट था, बाद में आपस में ही स्प्लिट हो गया था, इनमें झगड़ा कर लिए थे सब आपस में। और क्योंकि अमेरिका ने बैक टू बैक कई इस्लामिक जो बड़े लीडर थे उनको मारा, ये लोग भड़क गए थे, इन्होंने अमेरिका पे ही अटैक शुरू कर दिया, अमेरिका पे ही अटैक शुरू कर दिया। मतलब जिस सांप को पाला वो खुद ही काटने को आया, तब अमेरिका इसके खिलाफ हो गया। इनके खिलाफ नहीं हुआ अमेरिका, इनके खिलाफ नहीं हुआ, इनको तो काम पे लगा रखा था कि असद को पावर से हटाओ। ये जो बीच वाले हैं, ये इनको अमेरिका लगातार सपोर्ट कर रहा था कि असद को हटाओ, और पैरेलली ISIS के खिलाफ था अमेरिका, ISIS के अगेंस्ट था पर असद को भी हटाना चाहता था, ISIS के अगेंस्ट था और साथ ही साथ असद को भी हटाना चाहता था। ISIS ने जो कब्जा किया था, एक पार्ट सीरिया का कब्जा किया था, कई ग्रुप बन गए थे एक्चुअल में, एक पार्ट ISIS ने सीरिया का कब्जा किया था और एक पार्ट इराक का, और दोनों के कॉमन एरिया को डिक्लेयर कर दिया था इस्लामिक स्टेट, कि हम यहां पर चलाएंगे कोर शरीयत लॉ, कोर इस्लामिक आइडियोलॉजी, इसको डिक्लेयर कर दिया था इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। और अबू बकर अल बगदादी, इसने खुद को डिक्लेयर कर दिया था कैलिफ, अबू बकर अल बगदादी खुद को डिक्लेयर कर दिया था कैलिफ, पीएचडी था, ये पीएचडी था, पढ़ा लिखा था, इसने खुद को डिक्लेयर कर दिया था अबू बकर अल बगदादी। अभी कुछ टाइम पहले कई बार न्यूज आ चुकी है कि इसको मार दिया गया है, फिर कुछ टाइम पहले न्यूज आई कि इसको मार दिया गया है। तो ISIS का हेड अबू बकर अल बगदादी, तो ISIS से अलकायदा जुड़ा था, फिर स्प्लिट हो गया, तो नाइजीरिया का मिलिटेंट ग्रुप बोको हरम ने ज्वाइन कर लिया था इसको, बोको हरम भी ज्वाइन कर लिया था, कोलैबोरेशन कर लिया था इसके साथ, टाइप हो गया था। अबू बकर अल बगदादी को मार दिया गया, अबू बकर अल बगदादी को मार दिया गया, और अफ्रीका का मिलिटेंट ग्रुप, नाइजीरिया का, नाइजीरिया का मिलिटेंट ग्रुप जो यहाँ के ईस्टर्न पार्ट, ये नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में ये डिमांड करते हैं इस्लामिक स्टेट की। नाइजीरिया में टू कम्युनिटी है मेनली, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, नाइजीरिया में टू कम्युनिटी है मेन, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। तो बोको हरम मुस्लिम ग्रुप है, नॉर्दर्न पार्ट में चाहते हैं इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करना। जितनी किलिंग बोको हरम ने की है शायद ही किसी ने की हो, पर मीडिया कवरेज कम होने की वजह से कम लोग जानते हैं इसको, अब काफी लोग जान गए हैं, नहीं तो इसने बहुत किलिंग की है इस पूरे एरिया में। ये जाके ज्वाइन कर लिया था ISIS के साथ, तो ISIS कुछ ग्रुप को मिला के बना था, उसमें अलकायदा भी था, अलकायदा स्प्लिट हो गया था, अलग हो गया था इनसे, अल जवाहिरी वाला ग्रुप, तो बोको हरम ने ज्वाइन कर लिया। मतलब ये तीन चार ग्रुप मिलकर ISIS बना रखे थे, बोको हरम भी इसको ज्वाइन कर रखा था। अब ये खत्म हो चुका है, ये वीक हो गया, क्योंकि ISIS के अगेंस्ट में सीरिया असद की फौज लड़ रही थी, जो सीरियन फोर्स है वो ISIS के अगेंस्ट थे, इराकी फोर्स अगेंस्ट में थी, ISIS अमेरिका के अगेंस्ट प्रॉब्लम कर रहा था, अमेरिका इसके अगेंस्ट था, सीरिया को बचाने वाला रशिया,
सीरिया का दोस्त वो सपोर्ट में था, ईरान सीरिया का दोस्त वो भी सपोर्ट में था। तो आईएसआईएस के एंटी कितने थे? सीरिया, इराक, रशिया, ईरान, अमेरिका ऑल्सो। अमेरिका एंटी क्यों था? अमेरिका एंटी क्यों था? क्या अमेरिका ईरान का दोस्त था? आईएसआईएस के अगेंस्ट में सीरिया एंटी था क्योंकि सीरिया का एरिया कब्जा था, इराक एंटी था, इराक का एरिया कब्जा था, रशिया एंटी था, सीरिया का दोस्त था, ईरान एंटी था, सीरिया का दोस्त था। अमेरिका क्यों आईएसआईएस को मार रहा था? बोलो, ये अमेरिका इनके साथ में नहीं था, ये अलग लड़ाई कर रहे थे, ये अलग लड़ाई कर रहा था, दोनों का दुश्मन कॉमन था। ये आपस में एंटी हैं, आपस में एंटी हैं, पर इनका कॉमन एनिमी आईएसआईएस था। अभी समझ आया? अभी समझ आ रहा है? ये आपस में एंटी हैं दोनों के दोनों, ये दोनों एंटी हैं, पर आईएसआईएस इनका कॉमन एनिमी हो गया था। ठीक है, तो दोनों अपने अपने रीजन से लड़ाई कर रहे थे, पर क्या अमेरिका असद को पावर में देखना चाहता था? क्या अमेरिका असद को पावर में देखना चाहता था? नहीं। इसीलिए क्या हुआ, असद इनका भी मुकाबला कर रहा था और जो तीसरा ग्रुप था अमेरिका का सपोर्टर रेबेलियन, इनका भी मुकाबला कर रहा था। असद के दो एंटी, एक आईएसआईएस, दूसरा सीरिया रेबेलियन। तो अमेरिका आईएसआईएस के अगेंस्ट तो था, पर सीरियन रेबेलियन को सपोर्ट कर रहा था। इसीलिए असद ने केमिकल वेपन अटैक कर दिया था इन रेबेलियंस के ऊपर डूमा सिटी में। डूमा सिटी में सीरियन केमिकल अटैक असद ने चला दिए थे केमिकल वेपन इनके ऊपर, सीरियन केमिकल वेपन अटैक असद ने रेबेलियंस के ऊपर चला दिए थे डूमा सिटी में, केमिकल वेपन अपने ही कंट्री में अपने रेबेलियंस के ऊपर, क्योंकि रेबेलियंस को सपोर्ट अमेरिका का था। इसी एक्सीडेंट के बाद अमेरिका ने बैक टू बैक 57 टॉम हॉक मिसाइल दागे सीरिया के केमिकल बेस पर। सीरिया का जो केमिकल वेपन का बेस था, सीरिया का केमिकल वेपन का जो बेस था, टॉम हॉक मिसाइल अमेरिका ने दागे वन बाय वन और पूरी तरीके से इसको तबाह कर दिया। क्योंकि अमेरिका ने, क्योंकि असद ने अपने रेबेलियंस के अगेंस्ट में एक्शन लिया, उन रेबेलियंस को सपोर्ट करता था सऊदी अरेबिया एंड अमेरिका, क्योंकि वो सुन्नी थे, सुन्नी थे, सऊदी अरेबिया धर्म के नाम पे सपोर्ट करता था सुन्नी होने के नाते, और अमेरिका भी सपोर्ट में था। तो जब असद ने उन रेबेलियन के खिलाफ अटैक किया तो इसीलिए अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल दाग के इसको खत्म कर दिया। जब अमेरिका ने सीरिया के इस मामले में दखल दिया, रशिया बौखला गया। रशिया ने कहा कि एक और एक्शन आपने सीरिया में किया तो फिर मैं अटैक कर दूंगा आपके ऊपर। एक्चुअल में दो इंसिडेंट हुए थे। रशिया का एक फाइटर एयरक्राफ्ट जा रहा था आईएसआईएस को मारने के लिए, रशिया का फाइटर एयरक्राफ्ट चला आईएसआईएस को मारने के लिए, अमेरिका की मिसाइल ने रशिया के एयरक्राफ्ट गिरा दिया। आईएसआईएस के अगेंस्ट में रशिया ने फाइटर एयरक्राफ्ट भेजा और अमेरिका ने इसको गिरा दिया। एक इंसिडेंट तो ये हुआ था, रशिया बौखलाया था, और दूसरा जब सीरिया में टॉमहॉक मिसाइल दागी थी रशिया और बौखला गया। पुतिन ने अमेरिका को वार्न किया था कि अब अगर तुमने और एक्शन को सोचा तो रशिया अटैक कर देगा अमेरिका के ऊपर। सिचुएशन बहुत टेंस हो गई थी इन दोनों के बीच। रशिया ने बोला, एक तो तुमने हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट गिराया, दूसरा तुमने हमारे दोस्त के केमिकल वेपन के उस पर ठिकाना बनाया, 57 टॉमहॉक मिसाइल दागे हैं, अब हम अटैक कर देंगे तुम्हारे ऊपर अगर तुम नहीं मानते। ये एक हिस्सा पूरा क्लियर है, ये एक पार्ट है कहानी का, ये कहानी का एक पार्ट है। यार तुम लोग इतने क्वेश्चन बैक टू बैक पूछ रहे हो, तुर्की भी भिड़ा दिए, फिलिस्तीन भी भिड़ा दिए, थोड़ा समय दो मुझे, थोड़ा समय दो, जल्दी मत करो। और ये सब कहानी शुरू हुई थी सीरिया वाली 2011 में शुरू हुई थी कहानी, और इससे भी पहले ये सारा जो अरब में प्रॉब्लम आ रही है, ये शुरुआत हुई कहां से है? एक इवेंट है जिसको बोलते हैं जैस्मीन रिवॉल्यूशन। जैस्मीन रिवॉल्यूशन 2009-10 के आसपास ये शुरू हुआ। कहां पर, कहां से शुरुआत हुई थी? जिसकी चपेट में इजिप्ट भी आया, ट्यूनिशिया भी आया, अरब के कई सारे कंट्रीज चपेट में आ गए थे जैस्मीन रिवॉल्यूशन। इजिप्ट और इसके आसपास का एरिया, रुको मैं दिखाता हूं इसका।
ये आईएसआईएस वाले से भी पहले इस पूरे एरिया में दिक्कत चल रही थी, जैस्मीन रिवॉल्यूशन चल रहा था। पेशेंस रखो, पेशेंस, हड़बड़ी मत करो। जब मैं अच्छी तरह बताना चाह रहा हूं, टाइम दो थोड़ा, जल्दी मत मचाओ। ट्यूनिशिया से शुरुआत हुई थी, ट्यूनिशिया से। देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ था जैस्मिन रिवॉल्यूशन 2009 के आसपास, 9-10 के आसपास शुरू हुआ था यहीं से, ट्यूनिशिया, जैस्मिन रिवॉल्यूशन। जैस्मिन रिवॉल्यूशन यहां पर तख्ता पलट हो गया था। एक्चुअल में ये सब जो कंट्री है ना, लंबे लंबे समय से डिक्टेटर बैठे हुए हैं, काफी समय से डिक्टेटर बैठे हुए हैं पावर में। तो ट्यूनिशिया यहां पर इस एरिया में हुआ था, यहां से शुरू। उसके बाद इजिप्ट भी चपेट में आ गया था, इजिप्ट भी चपेट में आ गया, जॉर्डन भी चपेट में आया। अभिषेक का क्वेश्चन है, फिलिस्तीन टीवी में दिखाते हैं पर वो मैप में नहीं दिखता, उसका हिस्सा टुकड़ों में है। टुकड़ों में है अभिषेक। हाँ, क्वेश्चन देख लिया मैंने आपका, मैप पे दिखा देता हूँ मैं फिलिस्तीन। रुक जाओ, पहले कंप्लीट कर दो टॉपिक। करेक्ट है फैज, ट्यूनिशिया से स्टार्ट हुआ था और उसी सीरीज में एक जगह डिक्टेटर जो था उसको पावर से हटाया गया। उसके बाद आसपास के सारे कंट्री में रिवोल्ट भड़क गया। ट्यूनिशिया से शुरू हुआ था 2010 के अराउंड, ईयर एक बार चेक कर लो, जहां तक मुझे याद है 2010 था। अरे जैस्मीन रिवॉल्यूशन जब और हिस्से में फैल गया कॉमरेड अभिषेक, तब उसी को अरब स्प्रिंग कहा। शुरुआती जो नाम है वो जैस्मीन रिवॉल्यूशन है, जब वो आसपास के पूरे इस हिस्से में भड़क गया तब उसी को कह दिया तुमने अरब स्प्रिंग। समझ पाए कॉमरेड अभिषेक? पहली घटना ट्यूनिशिया में हुई थी, जैस्मीन रिवॉल्यूशन, तख्ता पलट। उसके बाद इस पूरे एरिया में फैलने लगा अरब एरिया में, तब इसे कह दिया जैस्मीन रिवॉल्यूशन। अरब कंट्री का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं अरब कंट्री, बताना जरा। अरब कंट्री का क्या मतलब है? अरब कंट्री का मीनिंग होता है मैना, 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 मिडल ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एशिया प्लस नॉर्दर्न अफ्रीका, इसको बोलते हैं अरब। मिडल ईस्ट एशिया एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, ये कंट्री है अरब। इसमें कौन कौन आ जाते हैं? अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट, इजिप्ट, लाइबेरिया, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, ये मोरक्को, ये सब आ जाते हैं नॉर्दर्न अफ्रीकन। और मिडल ईस्ट एशिया, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक, ये सब। क्लियर है? समझ पाए? तो नॉर्दर्न अफ्रीका मीन्स ये एरिया और मिडल ईस्ट एशिया, ये पूरा हिस्सा है अरब। ये सारा मिडल ईस्ट एशिया एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, ये अरब है। तो सीरिया में जो 2011 में स्टार्ट हुआ था वो भी इसका रिपरकर्शन था। ये फैलता फैलता पूरे में चला गया, ये फैलता फैलता पूरे में चला गया यहां तक। अभी देखो यमन में दिक्कत चल रही है, यमन का जो प्रॉब्लम है वो भी इसी का हिस्सा है, अरब स्प्रिंग का ही पार्ट है। यमन में भी दिक्कत चल रही है, वो भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, अब सुनो एक एक हिस्से, एक एक पार्ट। जिन कंट्रियों में प्रॉब्लम चल रही है, सिविल वॉर की स्थिति है, लेबनान में जो ग्रुप है जो प्रॉब्लम कर रहा है सिस्टम के अगेंस्ट, क्या नाम है लेबनान वाला रेबेलियन ग्रुप, क्या नाम है उसका? अमेरिका ने उसको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर रखा है, और अमेरिका में उसका जो वो था दूतावास, अमेरिकन जो एम्बेसी थी उस पर अटैक हुआ था, उसका उसी पे चार्ज लगाए गए थे, किसी ने गड़बड़ किया, हिजबुल्ला। वेरी गुड सर, वेरी गुड, हिजबुल्ला। फिलिस्तीन का जो रेबेलियन ग्रुप इजराइल के अगेंस्ट में है, इजराइल अमेरिका का चेला, फिलिस्तीन में जो ग्रुप है अगेंस्ट इजराइल,
फिलिस्तीनी ग्रुप अगेंस्ट इसराइल, फिलिस्तीन का ग्रुप अगेंस्ट इसराइल उसका नाम हमास, फिलिस्तीन रेबल ग्रुप अगेंस्ट इसराइल हमास, हमास। यमन में, यमन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान। यमन में रूलिंग पार्टी है सुन्नी गवर्नमेंट, सुन्नी गवर्नमेंट, और यहां शिया रेबेलियंस है, शिया रेबेलियंस, इनका नाम है हौथीस, हौथीस। यमन में चल रही है सिविल वॉर, यमन में चल रही है सिविल वॉर, सुन्नी रूलिंग है, शिया हौथीस एंटी है, तो हौथीस सुन्नी के अगेंस्ट में, यमन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट यहां पर चेंज भी हो गई, सऊदी अरेबिया की सपोर्ट वाली जो गवर्नमेंट थी वो चेंज भी हुई, है ना। अब सऊदी अरेबिया सुन्नी, यमन सुन्नी, तो क्या सऊदी अरेबिया यमन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, क्या सऊदी अरेबिया सुन्नी सुन्नी के नाम पर सपोर्ट करता है यमन को? करेक्ट। और सुन्नी होने के नाम पर आईएसआईएस को भी वेपन देता था सऊदी अरेबिया, सबसे गड़बड़ यही है, ये आईएसआईएस को भी धर्म के नाम पर सपोर्ट करता था सुन्नी के नाम पर, अमेरिका एंटी था आईएसआईएस के सेफ्टी की वजह से, और सऊदी अरेबिया आईएसआईएस का सपोर्टर था, क्लियर। तो सऊदी अरेबिया आईएसआईएस को सपोर्ट करता था सुन्नी की वजह से, यमन गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करता है सुन्नी की वजह से, मतलब हौथीस के क्या है अगेंस्ट। कुछ टाइम पहले हौथीस ने मिसाइल अटैक किया सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट के पास, हौथीस ने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट में भी अटैक किया एयरपोर्ट के पास, क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया यमन को सपोर्ट कर रहा है सुन्नी गवर्नमेंट को, ठीक है। यमन वो कंट्री है सबसे जबरदस्त सिविल वॉर झेल रहा है, जो सबसे जबरदस्त सिविल वॉर झेल रहा है, और दूसरी प्रॉब्लम फेमाइन भी है, बहुत टाइम से यहां पर अकाल फैला हुआ है, यही प्रॉब्लम है साउथ सूडान में भी। सिविल सर्विसेज का लास्ट ईयर का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पढ़ा के भेजा हुआ क्वेश्चन है, सिविल वॉर और फेमाइन, यमन और साउथ सूडान दोनों जगह प्रॉब्लम चल रही है, सिविल प्रीलिम्स में आया था लास्ट ईयर, इसी कहानी में से कई क्वेश्चन आ गए थे जो पढ़ा रहा हूं मैं भी इकट्ठा मिक्स करके। साउथ सूडान यमन दोनों क्राइसिस में चल रहे हैं, जबरदस्त क्राइसिस में, और अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था यहाँ पर, उसका मेन रीजन था ऑयल, इस पूरे एरिया में अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था मेन रीजन था ऑयल वेल्स पे कब्जा करना, ऑयल वेल्स पे कब्जा करना। कंप्लीट बात अब सुनो, ईरान पर अमेरिका ये चार्जेस लगाता है, ईरान ने कुछ साल पहले अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया, और अमेरिका, ईरान ने कहा कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं, पर जब अमेरिका को इंटेलिजेंस से पता लगा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन कितनी कंट्री के पास है अभी तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विनर यूएस, यूके, रशिया, यूएसएसआर हुआ करता था, फ्रांस एंड चाइना, ये फाइव कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विनर, इन्हें कहते हैं P5, प्लस फोर कंट्री ऐसे जो न्यूक्लियर पावर हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, इतने कंट्री हैं वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर, अभी तक ओनली 9 कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है। ईरान ने कहा हम न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अमेरिका को इंटेलिजेंस से पता लगा कि ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, तो अमेरिका ने और कुछ कंट्रीज ने मिलकर, P5 कंट्रीज ने मिलकर और जर्मनी ने, इन्होंने सैंक्शंस लगा दिए थे ईरान के अगेंस्ट, इम्पोस्ट सैंक्शंस अगेंस्ट, सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान, P5+1 कंट्री इम्पोस्ट सैंक्शन अगेंस्ट ईरान, और +1 कंट्री था जर्मनी, जर्मनी न्यूक्लियर पावर नहीं है पर उसने भी सैंक्शन लगा दिए थे ईरान के ऊपर, जर्मनी न्यूक्लियर पावर नहीं है पर उसने भी अमेरिका के साथ साथ सैंक्शन लगा दिए थे ईरान पे,
अब ईरान पे जब सैंक्शन लग गए तो उसकी इकोनॉमी को बहुत लॉस होने लगा, बहुत लॉस होने लगा। 2015 में ईरान ने पीस एग्रीमेंट साइन किया इन कंट्रीज के साथ। ईरान साइंड पीस एग्रीमेंट विद P5+1 कंट्री और इन्होंने कहा कि हम पीस मेंटेन करेंगे, न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेंगे। इसने कहा कि हम पीस मेंटेन करेंगे और हम न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेंगे। बराक ओबामा अच्छे पर्सन थे, बराक ओबामा ने कहा कि वी विल लिफ्ट पार्शियली सम ऑफ द सैंक्शन, पार्शियली वी विल लिफ्ट सम ऑफ द सैंक्शन। ओबामा ने कहा कि कुछ सैंक्शन हम हटा लेंगे। तब तक आ गया ट्रंप पावर में, ट्रंप ने कहा कुछ नहीं हटेगा, सारे सैंक्शन 6 ईयर और कंटिन्यू रहेंगे। ट्रंप ने कहा ईरान के अगेंस्ट में कोई सैंक्शन नहीं हटेगा, सारे सैंक्शन कंटिन्यू रहेंगे 6 ईयर मोर। ठीक है, एक इशू आपने सीरिया का देखा, एक इशू आपने ईरान का प्रोग्राम देखा। थर्ड पॉइंट, ईरान हौथीस को सपोर्ट करता है, जहां जहां वर्ल्ड में शिया है उनको सपोर्ट करता है। तो ईरान हिजबुल्ला को, हौथीस को, हमास को, इनको सपोर्ट करता है। अगर ईरान हमास को सपोर्ट करता है तो वो किसका एंटी हो गया? इसराइल का एंटी हो गया। ईरान अगर सपोर्ट करता है हमास को तो इसराइल का एंटी हो गया। हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है तो अमेरिका का एंटी हो गया, क्योंकि अमेरिका के एम्बेसी पर अटैक किया था। अगर ये असद को सपोर्ट करता है तो भी अमेरिका का एंटी हो गया। हौथीस को सपोर्ट करता है तो सऊदी अरेबिया का एंटी हो गया। ठीक है, तो इन्हीं से दिक्कत तो चल रही है, रोज न्यूज में यही तो देख रहे हो, सऊदी अरेबिया अटैक कर देगा, अमेरिका अटैक कर देगा, इसराइल अटैक कर देगा। और ईरान डिफेंस का सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी कुद्स ग्रुप, कुद की QUD, कुद्स ग्रुप था, कुद्स ग्रुप इसी के थे हसन सुलेमानी, हसन सुलेमानी मिलिट्री कमांडर, हसन सुलेमानी इसी के हेड थे, मिलिट्री कमांडर, हेड क्या, कमांडर थे, कुद्स ग्रुप के कमांडर हसन सुलेमानी। इन्होंने इराक ईरान वॉर से लेकर, सॉरी हसन नहीं, हसन रूहानी दिमाग में आ गया था, कासिम सुलेमानी शुरू में लिखवाया हुआ है नाम, कासिम सुलेमानी ये लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। अब उम्र हो गई है ना, पढ़ाते पढ़ाते बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, ये इंडिकेटर है इस बात का कि बुढ़ापा आ गया है। कासिम सुलेमानी क्लियर, रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। हाँ, कासिम सुलेमानी तो ये इराक गए हुए थे, इराक में भी, अब इराक में अमेरिकन फोर्सेस लगी हुई हैं और ये इराक को सपोर्ट कर रहे थे। इराक में इन्होंने अपना ग्रुप बना रखा था, रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे थे। तो कासिम सुलेमानी ईरान के, इराक से बॉर्डर भी है, ईरान यहां, इराक यहां। तो कासिम सुलेमानी गए हुए थे इराक एयरपोर्ट के पास, जहां कार्गो टर्मिनल है, दो गाड़ियों से जा रहे थे ये, एक गाड़ी इनकी थी, एक और सेवन लोग इंजर्ड हुए हमले में। तो हसन, ये कासिम सुलेमानी ईरान से इराक की तरफ जा रहे थे, इराक की तरफ यहां, और दो गाड़ियों से इनका काफिला जा रहा था, दो तीन गाड़ियां थी। इराक के एयरपोर्ट के पास ड्रोन से अटैक किया था अमेरिका ने, ड्रोन से अटैक किया, जो ईरानियन डिफेंस का बहुत बड़ा पर्सन, जो आयतुल्ला खुमैनी के बाद सबसे बड़ा नाम है वहां पर, सबसे ऊपर तो शाह है, ऑनरेरी जो पोस्ट होती है ना, सम्मानजनक पोस्ट, ऑनरेरी पोस्ट में सबसे ऊपर शाह, उसके बाद आयतुल्ला खुमैनी, पर पब्लिक के अंदर सबसे ज्यादा जो जिसका बोलबाला है खुमैनी का है, शाह तो वहां पर ऑनरेरी पोस्ट है, जैसे ब्रिटेन के राजा रानी होते हैं, ब्रिटेन के राजा रानी जैसे होते हैं वो है शाह, वो यहाँ पे ये है रजा पहलवी, रजा पहलवी। पर पब्लिक के बीच में सबसे बड़ा नाम है वहां पर आयतुल्ला खुमैनी, और आयतुल्ला खुमैनी के बाद पब्लिक किसी को सबसे ज्यादा चाहती थी तो था कासिम सुलेमानी। ये था, ये प्रेसिडेंट है वहां का, ये प्रेसिडेंट है। और कासिम सुलेमानी को अमेरिका सबसे बड़ा रोड़ा मानता था अपने एंटी के तौर पर, सबसे बड़ा हर्डल मानता था कासिम सुलेमानी को अमेरिका, क्योंकि सबसे बड़ा मास्टरमाइंड ईरान के डिफेंस में कासिम सुलेमानी था, इसीलिए इनको मरवा दिया गया।
और इनको मरवा दिया गया। तो आयतुल्ला खुमैनी बहुत ज्यादा क्लोज था, इन दोनों बहुत दोस्त थे अच्छे। आयतुल्ला खुमैनी अभी जब वो ले जा रहे थे बॉडी, देखो रोते होते वो फोटो आई है पब्लिक में, सबसे पावरफुल चेहरा आयतुल्ला खुमैनी, इसका क्लोज था कासिम सुलेमानी, उसको मार दिया गया, ये बहुत दुखी हुआ, ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया। फिर इसके बाद ईरान ने कहा वी विल रिटेलिएट, हम बदला लेंगे इसका। ट्रंप ने कहा कि अगर आप बदला लोगे तो हम ईरान को नक्शे से हटा देंगे। वो हमेशा इसी तरह का बोलता उल्टा पुल्टा, हम ईरान को नक्शे से हटा देंगे। ये काफी टाइम से टसल चल रही है। और जो एक ग्रुप था रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस या क्या बोलते हैं उसको, अमेरिका ने उसको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर रखा था, अल मेहंदी करके था, ये भी साथ में मर गया इनके कासिम सुलेमानी के साथ। अल मेहंदी एक था टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर रखा था एक को इनको, यस वेरी गुड, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स इसको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर रखा था, अल मेहंदी अल मोनसिफ ऐसी कुछ नाम था इसका, इसको भी मार दिया साथ में, अल मेहंदी को भी मार दिया, कासिम सुलेमानी को मार दिया। 7 लोग इंजोर्ड हुए उस वॉर में, वॉर नहीं अटैक में, 7% इंजोर्ड हो गए वहां पर। अब इसके बाद स्थिति क्या बनती है, देखो सऊदी अरेबिया अमेरिका एक ग्रुप है, सीरिया ईरान एक ग्रुप है, पर अभी ईरान बड़ा आइसोलेट हो गया है। अब मुझे आप ये बताइए इंडिया का स्टैंड क्या है इस पूरे मुद्दे पर, और इंडिया पर क्या इंपैक्ट आएगा। ईरान ने तो डिक्लेयर कर दिया कि हम अटैक कर देंगे, मतलब वॉर होगी। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है, एक ग्रुप ये कहता है कि उसके पास चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन है, जबकि कभी भी ओपनली डिक्लेयर नहीं किया उसने। यही चल रहा है ना आजकल न्यूज में कि अटैक ना हो जाए। अब देखो, जब पहले वाली गवर्नमेंट थी तो हम लोग रशिया के ज्यादा क्लोज माने जाते थे। और थोड़ा मैं पहले बताता हूं स्थिति, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और यूएसएसआर दोनों साथ में लड़े थे एक ही ग्रुप में, बट 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो दोनों एंटी हो गए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 5 कंट्री जो मेन थे उनमें फ्रांस और ब्रिटेन, क्रिश्चियनिटी है, लैंग्वेज कुछ कल्चर वल्चर मैच कर जाता है, ये एक ग्रुप में आ गए, चाइना यूएसआर सपोर्टर ये एक ग्रुप में आ गए। मतलब जो 5 कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते थे, फ्रेंड थे, वो उसके बाद एंटी हो गए थे। 1946 से लेकर 91 तक चली थी कोल्ड वॉर को कोल्ड इसलिए कहा गया था, अमेरिका यूएसएसआर का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था, अमेरिका यूएसएसआर की आर्मी आमने सामने नहीं आई थी, ये एक तरह का प्रॉक्सी वॉर था, छदम युद्ध था। कोल्ड वॉर को कोल्ड इसलिए कहा गया, ये छदम युद्ध था, प्रॉक्सी वॉर थी इन दोनों के बीच। और जिसका नतीजा ये निकला, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इंटू, टूट गया था 15 कंट्रीज में, इसीलिए पुतिन आज तक अमेरिका का दुश्मन है। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इंटू रशिया प्लस 14 कंट्रीज, रशिया और 14 कंट्रीज में टूट गया था यूएसएसआर। एरिया वाइज यूएसएसआर वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री था, आज 15 पार्ट होने के बाद भी रशिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री है, 15 पार्ट होने के बाद भी रशिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री है एरिया में। जो टूट के अलग हुए थे कौन कौन, वेरी इजी टू रिमेंबर, एक्सेप्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, रेगिस्तान, ऑल द स्थान वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर अर्लियर, एक्सेप्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, रेगिस्तान, ऑल द स्थान वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर अर्लियर, कौन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऑल वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर अर्लियर। इसके अलावा यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, ये सब पार्ट थे इसके, अजरबैजान, ये सब यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। टूटा कब था, 1991 में टूटा था। किसका अच्छा दोस्त था, हमारा, 14 कंट्रीज, आर्मेनिया भी है, सारे नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, हमारा अच्छा दोस्त था। तो जब हमारा अच्छा दोस्त ब्रेक हो गया, प्रॉब्लम में आ गया, उसी साल हमारे यहां क्या आ गई थी, सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर, मनमोहन सिंह,
फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं थी, लगने के हालात हो गए थे, आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी के हालात बन गए थे, आर्टिकल 360, पर लगा नहीं था। मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करना शुरू किया, ओपन करना शुरू किया, एफडीआई वगैरह आना शुरू हुआ, हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करने लगे, इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, बचा ले गए थे समझदारी से। आज लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह तो नहाते समय रेनकोट पहन लेते थे, इनके टाइम पे तो बड़ा करप्शन हुआ था, लोग ये बातें करते हैं, जो इंडिया को इकोनॉमिक इमरजेंसी से बचा ले गया था, ठीक है, तो ये बच गए थे। पर हम लोग हमेशा से रशिया के क्लोज रहे, इंडिया यहां, ये अमेरिका और ये रशिया, अमेरिका हमेशा हमारा क्लोज रहा, हमेशा से हमारा क्लोज रहा रशिया। पर जब मोदी गवर्नमेंट आई तो हम लोग अमेरिका से रिलेशन इंप्रूव करने लगे, रशिया हमारा अच्छा दोस्त रहा शुरू से, हमेशा सपोर्ट किया, अमेरिका हमारे एंटी था 91 तक भी, उसके बाद भी अमेरिका सपोर्ट नहीं करता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था वो। फिर अमेरिका के हम क्लोज होने लगे, मोदी ट्रंप तो ऐसा, पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया आना नहीं चाहता था कि गरीब कंट्री है, कहीं कुछ मांग ना बैठे कि माई बाप आटा चावल गेहूं दाल कुछ लाओ, पहले आते नहीं थे। पहला प्रेसिडेंट अमेरिका का इंडिया आया था, आइजनहावर ये नाम था इसका, पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इंडिया आया था काफी बाद में, ड्वेट डी आइजनहावर, आते ही नहीं थे ये। और आज ऐसा लगता है कि इंडिया अमेरिका, ये ट्रंप और मोदी बचपन के दोस्त हों, साथ में टायर घुमाते हो जैसे, वो कंट्री जहां तुम आना नहीं चाहते थे, ऐसा लग रहा है दोनों बचपन के दोस्त हैं और साथ में टायर घुमाते हो। क्या बदल गया? इकोनॉमी बदल गई, कुछ नहीं बदला, इकोनॉमी बदल गई। पहले हम गरीब थे, कोई नहीं पूछता था, आज मार्केट है हमारे पास, 132 करोड़ लोग रहते हैं, तो कुछ खाते पीते तो होंगे, कुछ पहनते भी होंगे, बाजार हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए सब इंडिया के क्लोज हो गए हैं। आ रहा है कुछ समझ? इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो कर रही है, 21st सेंचुरी है एशिया का, चाइना इंडिया, 22nd सेंचुरी होगा अफ्रीका का। जब अमेरिका यूरोप ग्रो किया तब हम लोग टायर घुमाते थे, हम ग्रो करना शुरू किए अभी अफ्रीका टायर घुमा रहा है, जब हम अमेरिका यूरोप की तरह हो जाएंगे तब अफ्रीका हमारी जगह पे आ जाएगा। अब रेमंड जैसी कंपनी अफ्रीका में शोरूम खोल ले, कौन खरीदेगा वहां? उनको पता ही नहीं है कपड़ा खरीदना है कि पहनना है, मतलब कपड़ा खाना है कि पहनना है। तो अगली सेंचुरी उनकी होगी, ये सेंचुरी एशिया की है, इसीलिए हर कोई इंडिया चाइना की तरफ देखता है, ठीक है। पर एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि अमेरिका की तरफ हमारा इंक्लाइनेशन रशिया से हमें दूर कर रहा है, और रशिया पाकिस्तान डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, रशिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है धीरे धीरे, तो हम अमेरिका के क्लोज जा रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि रशिया को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मोदी जी ने 40,000 करोड़ रुपए की डील की जिसमें हम बहुत सारे वेपन खरीद रहे हैं रशिया से। रशिया का मेन बिजनेस डिफेंस है। जब यूएसएसआर था तो रशिया बहुत पावरफुल था, पर यूएसएसआर स्प्लिट होने के बाद रशिया बहुत वीक हो चुका है, उसका मेन बिजनेस है डिफेंस। 40,000 करोड़ रुपए की हमने डील की जिसमें हम सबमरीन वबमैरिन बहुत सारी चीजें ले रहे हैं और 5S-400 भी ले रहे हैं। 5S-400 ले रहे हैं, क्या है S-400? देखो ये ऐसा वेपन है, रणवीर सिंह थक गए तो मत करो ना क्लास, थक गए तो मत करो, कौन न्योता दिया गया तुम्हें? S-400 सिस्टम, ये चार बैरल लगे हैं, जब एक ही साथ पूरा जीएस पढ़ा दे रहा हूं तो क्या दिक्कत है, पढ़ते रहो। ये चार बैरल हैं, ये बॉर्डर पे लगा दिए जाएंगे, इसमें चार अलग अलग मिसाइल लगी होंगी। एनिमी की मिसाइल अगर हमारे एरिया में आती है तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, हवा में ही मार गिराएगा। ये है एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी एयर मिसाइल। रणवीर थक गए क्या? एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ऑफलाइन में कैसे पढ़ते हो 4 घंटा 6 घंटा? एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और यही सिस्टम ऐसा ही अमेरिका ने लगाया था साउथ कोरिया में, थर्ड ऐसा ही सिस्टम अमेरिका ने साउथ कोरिया में लगाया था नॉर्थ कोरिया से बचाव के लिए। ये है अमेरिकन थर्ड, अमेरिकन एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम,
एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो हम लोगों ने रशिया के साथ डील कर दी, 40,000 करोड़ रुपए के वेपन खरीद रहे हैं, जिसमें हम खरीद रहे हैं रशिया से S-400। अमेरिका भड़क गया, अमेरिका ने कहा कि क्यों खरीद रहे हो रशिया से, हमसे खरीद लेते। अमेरिका ने कहा कि हमसे खरीद लेते तो इंडिया ने कहा कि तुम्हारा थर्ड 6 times ज्यादा कॉस्टली है और कम एडवांस है। थर्ड जो है S-400 से 6 times ज्यादा कॉस्टली और एडवांस भी कम, और हम रशिया से परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अमेरिका ने कहा इस तरह का वेपन तुम नहीं खरीदोगे, क्योंकि 2017 में हमने एक रूल बनाया है काटसा, ये सैंक्शन लगाने का रूल होता है, हमने ये बना रखा है काउंटर अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अमेरिकन लॉ है जिससे वो सैंक्शन लगा देते हैं। अभी ये सैंक्शन लगा रखा है नॉर्थ कोरिया के ऊपर, ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर, इन सब के ऊपर ये सैंक्शन लगा है। तो अमेरिका ने कहा इंडिया से कि हमने काटसा के तहत रशिया पे सैंक्शन लगा रखे हैं, ऐसा वेपन आप रशिया से परचेज नहीं करोगे। इंडिया से कहा कि इंडिया हमारा अच्छा दोस्त है, इंडिया रशिया से ये वेपन परचेज नहीं करेगा, क्योंकि रशिया पे हमने लगा रखा है काटसा, प्रतिबंध लगा रखा है, और अगर तुम खरीदोगे तो मैं कुट्टी हो जाऊंगा। फिर अमेरिका इंडिया से बोला कि रशिया से परचेज नहीं करोगे, अगर खरीदोगे तो कुट्टी हो जाऊंगा। इंडिया कह रहा है तुम्हारा कुट्टी होना देखे कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने हमारी तरफ भेज दिया था F-16, अमेरिका का दिया हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट, हमारा दो सुखोई और पाकिस्तान का एक F-16 बराबर है, हमारे दो सुखोई और पाकिस्तान का F-16 बराबर है, और हमारा एक रफेल जो अभी आना शुरू हो गया, नींबू मुर्ची से पूजा की गई जिसकी, वो 2 F-16 के बराबर है। पर वो तो अभिनंदन की बहादुरी थी कि F-16 को मिग से मार गिराया, जबकि मिग की कोई औकात नहीं F-16 के आगे। अमेरिका ने सर पकड़ लिया कि ये कैसा हो गया, मिग ने कैसे गिरा दिया F-16 को। तो हमारे 2 Sukhoi, 1 F-16 और हमारा 1 Rafale, 2 F-16, समझ गए रफेल क्यों चाहिए और कहां से खरीदे जा रहे हैं। 36 रफेल खरीदे जा रहे हैं डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी से, 36 रफेल डसॉल्ट एविएशन फ्रेंच कंपनी से लिया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। कट्टे से मार गिराया था AK-47, मिग ने F-16 को गिराया, ऐसी कहानी थी ये, गुड। और मोदी जी ने जब डील की रशिया के साथ 40,000 करोड़ रुपए की, तो एक डायलॉग भी चिपका दिया। क्या डायलॉग चिपकाया, एक्सपर्ट कह रहे थे कि हम अमेरिका के क्लोज हो रहे हैं, फ्रांस से दूर हो रहे हैं। मोदी जी ने कहा एक पुराना दोस्त 10 नए दोस्तों से अच्छा होता है, एक पुराना दोस्त 10 नए दोस्तों से अच्छा है, मतलब रशिया हमारा पुराना दोस्त है, जरूरत पड़ने पे हम इसका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब दिक्कत क्या आ रही है, ईरान हमारा अच्छा अलाई रहा है, चबाहर पोर्ट हमने कहां से बनाया है, देखो ये रहा चबाहर, हमेशा अच्छा दोस्त रहा है, देखो अफगानिस्तान से और सेंट्रल एशिया से आपको ट्रेड अगर करना था, यहां चाइना के रास्ते से दिक्कत, आपका नॉर्दर्न एरिया बहुत हार्श टेरेन है, हिमालय का एरिया है, यहां डिफिकल्टी, पाकिस्तान से दिक्कत आती थी ट्रेड करने में। हम लोगों ने चबाहर पोर्ट 1,000 करोड़ रुपए खर्च करके यहां पे बनवाया ईरान में, क्योंकि इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन ईरान, क्योंकि पाकिस्तान है सुन्नी, ईरान है शिया, पाकिस्तान भी तो कट्टर कंट्री है, कट्टर मुल्क है, रिजिड है बहुत। तो इंडिया का एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान का एंटी ईरान, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, मतलब हमारा दोस्त ईरान और हमारा दुश्मन पाकिस्तान, हमारा दुश्मन चाइना, तो चाइना पाकिस्तान क्या हो रखे दोस्त। चाइना ने बनाया ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, चाइना ने बनाया, इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने बनाया चबाहर ईरान में। तो इंडिया यहां से चबाहर तक गुड्स भेजेगा,
और ईरान के रेल और रोड नेटवर्क को यूज करके अफगानिस्तान तक और उसके बाद सेंट्रल एशिया तक। तो ईरान तो हमारा अच्छा दोस्त है, ईरान तो हमारा अच्छा दोस्त है कि इस रूट से हम ट्रेड करते हैं अफगानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में। और ईरान वो कंट्री है जो हम सबसे ज्यादा ऑयल खरीदते हैं वहां से, सबसे ज्यादा ऑयल हमारे यहाँ ईरान से आता है क्योंकि ईरान हमसे रूपी पेमेंट एक्सेप्ट करता है। बाकी लोग मांगते हैं डॉलर, डॉलर प्रिंट करता है अमेरिका, डॉलर की सप्लाई लिमिटेड, और अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो डॉलर प्राइसेस विल इंक्रीज इंक्रीज। वो हर जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो आपको देना पड़ता है डॉलर, और डॉलर प्रिंट करता है अमेरिका। तो डॉलर की डिमांड अगर पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगी और सप्लाई लिमिटेड है तो डॉलर की डिमांड हाई, डॉलर की डिमांड अगर हाई होगी सप्लाई लिमिटेड होगी तो डॉलर क्या होगा, आपको रुपी ज्यादा पे करने पड़ेंगे कम। सेम 1 डॉलर के लिए कभी आपको 60 रुपी पे करने पड़ेंगे, कभी 65, कभी 70। तो आपका रुपी क्या हो जाएगा, रुपी कमजोर हो जाएगा। रुपया कमजोर होने का मतलब रुपया कोई मरगिल्ला कीकड़ी नहीं हो जाता है, रुपया कमजोर होने का मतलब परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई है। एक बर्गर जो 50 रुपीज का मिल रहा है, वही बर्गर वही टेस्ट अब 500 रुपीज का मिल रहा है। ये मीनिंग है करेंसी बिकम वीकर। कुछ लग रहा ज्यादा आगे बढ़ गए, कुछ समझ में आ रहा है, पूरा जीएस आज खत्म ही ना हो जाए, इमोशनल हो गए तुम लोग भी। ठीक चल रही बात, सिविल्स वाले बताएं पहले क्या माहौल है, सिविल सर्विसेज वाले सब ठीक है? कुछ लग रहा ज्यादा इमोशनल होके बता दिया मैंने, डिटेल में ज्यादा चले गए। चलो गुड। हाँ, कई दिन से तुम लोगों को मसालेदार कोई चीज नहीं मिल रही थी ना, अब थोड़ा मजा आ रहा होगा इसमें, गुड। तो ईरान, अब प्रॉब्लम ये है, एक दोस्त हमारा अमेरिका बना हुआ है आजकल, सो कॉल्ड दोस्त, ईरान हमारा वाकई में दोस्त रहा है। अब समस्या ये है इंडिया क्या करे, बीच में फंस गया कि नहीं, सारी चालाकी निकल गई ना। एक तरफ तो CAA NRC चल रहा है, कहीं मंदिर मस्जिद चल रहा है, कहीं कुछ और चल रहा है, कहीं कुछ और चल रही है बात। अब मामला क्या फंसा, अमेरिका और ईरान में से क्या करोगे, ईरान से तुम ऑयल खरीदते हो, अमेरिका ने प्रेशर कैसे बनाना शुरू किया, कुछ दिन पहले कहा इंडिया ऑयल खरीदना ईरान से बंद करे, हमारे दोस्त हो हम कुट्टी हो जाएंगे, क्योंकि हमने काट्सा ईरान पे भी लगा रखा है, ऑयल बंद करो यहां से लेना। इंडिया ने कहा कि यहां से ना ले तो कहां से ले, ये हमसे रूपी पेमेंट लेता है, हमारा दोस्त है। तो चलता रहा कुछ टाइम तक, अब मामला हो गया थोड़ा रिजिड, दिक्कत हो गई है। अब समस्या आ रही है कि इंडिया किसको चुने। तो इंडिया इसमें चुप रहते हुए भी कहीं ना कहीं अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, जो बहुत बड़ी ब्लंडर होगी फ्यूचर में। पर इंडिया कर भी क्या सकता है, अमेरिका के सामने तो कुछ नहीं कर सकता, पहले ही जो गड़बड़ किया है मामला, चुप रहते हुए भी अमेरिका की तरफ इंक्लाइनेशन है इस गवर्नमेंट का, और ईरान जो दोस्त रहा है इसके लिए रिलेशन हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, फ्यूचर में दिक्कत ना आ जाए, समस्या ये परेशानी आएगी कि अगर इंडिया कोई स्टैंड लेता है तो इंडिया पे भी सैंक्शन लगा देगा। अभी कई सारे प्रोडक्ट हमारे जो अमेरिका जाते हैं उनके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया है, हमारे कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया था क्योंकि ईरान से हम लगातार ऑयल परचेज करते थे, है ना, तो इसीलिए हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ये दादा है ना दादा, तो इसी की सुन रहे हैं लोग। अब पाकिस्तान से अमेरिका बड़ा खिलाफ था, अमेरिका लगातार इंडिया के सपोर्ट में आया तो पाकिस्तान को डांट लगा रहा था, पर अब ईरान अमेरिका तनातनी हो रखी है। ईरान ने मस्जिदों के ऊपर लाल झंडे लगा दिए, जिसका मतलब होता है वॉर का डिक्लेरेशन, रिटेलिएशन, बदला। अब अमेरिका क्या कर रहा है, किसी का नहीं है, अमेरिका प्योर बिजनेसमैन कंट्री है, किसी का नहीं है। अब अमेरिका पाकिस्तान से कह रहा है तुम तो हमारे दोस्त हो, जैसे इराक के समय पे इराक अफगानिस्तान में घुसना था अमेरिका को, पाकिस्तान को यूज किया, इराक और अफगानिस्तान में जब घुसना था तो पाकिस्तान को यूज किया, उसी की जमीन से अटैक करता था, वहीं से होके जा रहा था, और पाकिस्तान को बदले में बहुत पैसा देता था। अमेरिका ने बहुत पैसा दिया पाकिस्तान को उसकी जमीन इस्तेमाल करने के लिए अफगानिस्तान इराक में। अब वही मामला वो कर रहा है पाकिस्तान से, फिर कह रहा है कि अब वो फिर यहां पर आना चाहता है क्योंकि ईरान बॉर्डर है पाकिस्तान से। अमेरिका ईरान बहुत दूर है, अमेरिका ईरान बहुत दूर है, अमेरिका कह रहा है कि अब हम बेस बनाएंगे यहां, पहला पाकिस्तान में कह रहा है, दूसरा इंडिया से कह रहा है।
तो अमेरिका पाकिस्तान इंडिया को मिला के चलना चाहता है अगेंस्ट ईरान, जो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। इसीलिए वर्ल्ड वॉर की तरफ चीजें जा रही हैं, खुल के लोग बोल नहीं पा रहे हैं। अभी रशिया का रोल अगर क्लियर हो गया, रशिया अगर खुलकर आ गया मैदान में, तब फिर सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि सऊदी अरेबिया और अमेरिका तो खुल के मैदान में आ रखे हैं। सऊदी अरेबिया अमेरिका एक ग्रुप में खुल के, इसराइल, सऊदी अरेबिया अमेरिका इसराइल, ये ज्यादा गड़बड़े तीनों एक साथ। दूसरी तरफ ईरान, ईरान सीरिया, सीरिया खुद ही परेशान है। रशिया इसमें बड़ा डिसाइडिंग रोल प्ले कर देगा, चीजें किधर जाएंगी, ठीक है। और चाइना का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी चल रही है अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर। चाइना भी अमेरिका से काफी दुखी है, पर चाइना इस तरह के मुद्दे पे बोलता नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन कंट्री है, उसका बिजनेस अफेक्ट ना होने पाए। चाइना है बिजनेसमैन, वो ऐसे मुद्दे पे खुल के सामने नहीं आता जब तक उसको खुद को परेशानी ना हो। जब उसको खुद को दर्द होता है तभी चिल्लाता है वो, और किसी के मामले में इन्वॉल्व नहीं होता जल्दी। तो ये प्योर बिजनेसमैन है, प्योर बिजनेसमैन है, अपने ट्रेड वॉर में उलझा हुआ है अमेरिका के साथ। खुल के जब ये कुछ बोलेगा तभी कुछ बात होगी। अरे इसका कुछ नहीं स्टैंड है, ये शाश्वत सबसे बकवास कंट्री है दुनिया का चाइना। प्योर बिजनेसमैन है, हाईली सेल्फिश, इसका कोई दोस्त नहीं है। हिंदी चीनी भाई भाई बोलते थे ना, भाई भाई बोलते हुए पीठ पे छुरा घोंपा था इसी ने, और भाई के पीठ पे छुरा घोंपा और दुश्मन के साथ हो गया, पाकिस्तान के साथ। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके से गुजार रहा है, तो ये किसी का नहीं है, प्योर बिजनेसमैन, जहां से फायदा मिलेगा वहीं जाएगा। अभी अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर चल रही है, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट पड़ा हुआ है, कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, हर बार बचा लेता था, इस बार चुप रह गया कि इंडिया के अगेंस्ट ना हो जाए कहीं। आजकल साइलेंट रह रहा है, चुप रह रहा है। मसूद अजहर को जब ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना था, हमेशा वीटो पावर करके बचा लेता था। जब अमेरिका से ट्रेड वॉर हुई है तब थोड़ी अकल आई है, लास्ट टाइम वीटो नहीं लगाया, चुप रह गया, और मसूद अजहर डिक्लेयर हो गया ग्लोबल टेररिस्ट, क्योंकि इस पर ट्रेड का प्रेशर अच्छा खासा आया हुआ है चाइना के ऊपर, ठीक है। तो ईरान को लेकर ये पूरी पिक्चर क्लियर है, पर ईरान ने कह दिया कि हम रिटेलिएट जरूर करेंगे। कासिम सुलेमानी की जो मौत हुई है वो ईरान मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा, उसने डिक्लेयर भी कर दिया है और मस्जिदों के ऊपर लाल झंडे वगैरह लगा दिए थे। ईरान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, अमेरिका की दादागिरी को। और ट्रंप बोल रहा है कि अगर तुमने एक एक्शन लिया तो हम अटैक कर देंगे, फुल फ्लैज अटैक कर देंगे। ये है बड़े लीडर जो दिखा रहा है आजकल टीवी में। कासिम सुलेमानी, ये है जो फोटो आ रही है आजकल। 2-4 दिन मौसम सही रहे तो एक सांस में पूरा जीएस पढ़ा दिया जाए, मौसम सही चले तो एक सांस में पूरी जीएस कंप्लीट, कहानी की तरह। ये कासिम सुलेमानी, हसन रूहानी, ये है आयातुल्ला खुमैनी, आयातुल्ला खुमैनी। अरे यार, 1 घंटे की क्लास थी, 1.5 घंटे हो गए, अभी कितना पढ़ोगे? एक सांस में बोले जा रहा हूं, पर तुमको भी चैन नहीं है। ये हसन रूहानी, प्रेसिडेंट है ईरान का, प्रेसिडेंट है। और शाह कहाँ गया? शाह तो पावरफुल, मतलब नाम से पोस्ट है बड़ी, ये रजा। रजा पहलवी, ये रहा, ये रहा रजा पहलवी। क्लियर है? सुमित कुमार, आइडियली इंडिया की अब फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए गल्फ कंट्रीज के, बिल्कुल सही है सुमित, बिल्कुल सही है। इसके ऊपर बड़ा अच्छा ऐसे बन सकता है, बहुत बढ़िया ऐसे लिखाया जा सकता है इसके ऊपर, इंडिया और ये गल्फ कंट्री से रिलेशन। अरे यार ऋषभ, आई आर मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई आर मैं नहीं ले रहा हूँ इसके ऊपर, मैं खाली 3 ही 4 टॉपिक ले रहा हूँ बस।
प्रिंस ऑफ ईरान, हाँ प्रिंस ऑफ ईरान, क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस ना, क्राउन प्रिंस बोलते हैं इसको। अरे यार थके नहीं तुम लोग, कब से पढ़ रहे हो? अब चलो एक क्लास और करा दूंगा इसको, फिर पढ़ाऊंगा आगे। जो पुराने लेक्चर है सीएसई वाले उनमें देखो मैंने पढ़ा रखा है, पुराने लेक्चर सर्च करोगे, आर्टिकल 370 पढ़ा रखा है, एक रोहिंग्या वाली क्लास पढ़ा रखी है वो भी देख लो, एक पढ़ा रखी है एनआरसी सीए, ये लेक्चर सब अवेलेबल है। पर आज पढ़ा दिया ईरान वाला इशू, इंटरनेशनल वाले कुछ टॉपिक पढ़ा रखे हैं मैंने, एक बार वो देख लो, ये सब तो इंटरनेशनल वाले ही हैं। साउथ चाइना सी पढ़ा रखा है, चाइना वाला जो प्रॉब्लम है, ऑयल वॉयल पढ़ा देंगे किसी दिन, चलो वो भी हो जाएगा। ये सब टॉपिक सीएससी स्पेशल क्लास में अवेलेबल है, स्पेशल क्लास में अवेलेबल है। एनआरसी सीए तो यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, यहाँ पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी है। एनआरसी सीए वाला जो टॉपिक है यहाँ पर भी है और यूट्यूब पर भी डाला हुआ है, दोनों पर अवेलेबल है। ठीक है, हाँ गुलशन, यूएस पैसा बहुत फेंकता है ना, यूएस कंट्री खरीद लेता है एक तरीके से, अपनी सेना वेना जहां उसको डिप्लॉय करनी होती है कंट्री को खरीद लेता है, साम दाम दंड भेद सब लगाता है, अल्टीमेटली उसको फायदा होना चाहिए बस, उसका कोई दोस्त नहीं है, बस उसको फायदा चाहिए। इतने कमेंट कर डाले, यूके जर्मनी ईरान के चेला हैं, यूके और जर्मनी ईरानी सॉरी अमेरिका, अमेरिका का चेला है यूके और जर्मनी, यूके जर्मनी दोनों अमेरिका के चेले हैं, उनका बिजनेस अमेरिका से बहुत है, अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलते यूके जर्मनी दोनों। पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा, पाकिस्तान को पैसा मिल जाएगा, पाकिस्तान की जमीन अगर अमेरिका यूज करता है, बेस बनाता है, तो पाकिस्तान को पैसा बहुत मिलेगा, जो फायदा उसको हुआ था ये इराक अफगानिस्तान वाले इशू में भी। इंडिया का क्या स्टैंड होगा यार, इंडिया के लिए सबसे बड़ा तो इस समय इंटरनेशनल पॉलिसी से बड़ा मुद्दा तो जेएनयू बना हुआ है, मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज जिनको वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिलना चाहिए हम लोग खुद ही डिफेम किए पड़े हैं, हमारी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जिनको हमें रिस्पेक्ट बढ़ानी चाहिए वर्ल्ड में, हम खुद ही उनको क्रिटिसाइज कर करके बर्बाद किए पड़े हैं। नई यूनिवर्सिटी बनाना नहीं है, बनाओगे मूर्ति मूर्ति उर्ति बनाओगे इतने हजार हजार करोड़ रुपए लगा के, तो नया कुछ बनाना नहीं है, जो बचा खुचा है उसको ही बर्बाद कर दो, एजुकेशन बजट कट डाउन कर दो, बन जाएगा इंडिया विश्वगुरु? विश्वगुरु ही तो बनना है, तो जब अनपढ़ रहेगा तभी बढ़ेगा इंडिया और तभी बनेगा विश्वगुरु, क्योंकि अनपढ़ रहेंगे तो कभी अपोज नहीं करेंगे, कोई जो कहेगा वो मान लेंगे। ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे यार, सब डाला हुआ है मैंने, अब रुक जाओ पहले, आज शाम को एक क्लास और कराऊंगा, ये गला ही काम नहीं कर रहा है। 9:30 PM पे यूनेस्को और हेरिटेज पढ़ाऊंगा आज, यहां से भी क्वेश्चन आता है एक, आज पढ़ेंगे 9:30 से 10:30 यूनेस्को और हेरिटेज। अभी जा रहा हूँ मैं जरा हॉस्पिटल कुछ ही काम से, 9:30 पे आऊँगा तब शुरू करेंगे इसके आगे कहानी। यार तुम लोग इतनी मेहनत करवाते हो, फीडबैक वीडबैक डालते नहीं कुछ, क्या चक्कर है ये, मेहनत इतनी करवा रहे हो फीडबैक में कुछ लिखते ही नहीं, अच्छा खराब? ठीक है चलो लिख देना आज, गुड, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। और अगर सब कुछ समझ आ रहा है, सही चल रहा है, तो बताओ और क्लासे अरेंज कर दें, कुछ और भी करा दें, सब सही चल रहा है तो बताओ और क्लासें लगा दी जाए, सब पढ़ा दिया जाए। विकास सिंह बस लगे रहो सर, पढ़ाते रहो दिन रात, गला वाला निकल के बाहर आ जाए, बस पढ़ाते रहो लगातार। ठीक है चलो पढ़ेंगे 9:30 बजे, जाना एक जगह जरा हुआ है, फिर आगे पढ़ते हैं।
ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू।